क्या आपका भी जेसीबी का इंजन ऑयल कम होता है धीरे धीरे, तो हो जाए सतर्क। हाँ फ्रेंड्स, मैं हूँ सिराज अंसारी, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमारा जेसीबी का इंजन ऑयल धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं देखिए लेवल को निकालने जा रहा हूँ, मतलब उतारने जा रहा हूँ। इसमें कुछ जो है 1 लीटर इसमें ऑयल जो है मैं डालूँगा, जो कि हर महीने डाला भी जाता है, वो खास करके जेसीबी इंजन में ही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, किर्लोस्कर कंपनी का जो इंजन रहता था उसमें से एक बार डालो और जब रिचेंज करते थे उसी टाइम जो है ऑयल को सारा नया चेंज कर देते थे। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं जो हूँ अभी जेसीबी कंपनी का जो देख रहे हैं इंजन, इसमें से क्या है हर महीने 1 लीटर ऑयल कम से कम डालना ज़रूरी है। और यहाँ पर देख सकते हैं डाले इसलिए जाता है ताकि हमारा जो इंजन ऑयल जो है लेवल बना रहे। फिलहाल यहाँ पर जो है जेसीबी कंपनी का जितने भी सारे इंजन से हैं उसमें से क्या है धीरे 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 इंजन ऑयल लो होता चला जाता है, जिससे हमें मालूम जो है हर दिन चेक करने पे ही पता चलेगा। अचानक एक ही बार चेक करने से हमें समझ में आएगा कि पूरा ऑयल जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ध्यान नहीं रखना है, ध्यान ये रखना है कि हमें जो है हर दिन जो है इंजन ऑयल चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर जेसीबी का इंजन ऑयल कैसे चेक किया जाता है तो अगर देखना चाहते हैं तो आई बटन पर लिंक आया होगा, उस लिंक पर ऊपर दबा करके देख सकते हैं। वीडियो अच्छे तरीके से वहाँ पे बताया गया कि जेसीबी का इंजन ऑयल किस तरह से चेक किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं 1 लीटर का ऑयल डाल रहा हूँ और यहाँ पे जो है लेवल देखने के लिए अभी तो पता फिलहाल नहीं चलेगा, तो चेक जब करें जब मशीन जब शांत हो जाए, मतलब कि चल करके 1-1.5 घंटा या फिर सुबह ही चेक किया जाएगा, जो कि ऑयल जो है पूरा तरीके से नीचे की ओर लेयर में आ जाता है अच्छे तरीके से, तभी आपका जो है अभी जो डाले हैं वो पता अच्छा तरीके से चल पाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो है अभी मैं ढक्कन फिट कर दे रहा हूँ अच्छे तरीके से। और अगर सारी जानकारी लेना चाहते हैं जेसीबी से रिलेटेड, तो यहाँ पे हमारे चैनल पे सारे तरीके से जेसीबी से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको मिलता ही रहेगा। और अगर सिराज अंसारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं, ताकि आपको हर एक नए नए वीडियो आपके तक पहुंचता ही रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक मिलते हैं एक नए अगले वीडियो के साथ।